मैंने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया है हाँ। और साइकिल की बटन दबाई है हाँ। इसलिए भी और उत्तर प्रदेश में मैं चाहता हूँ कि खुशहाली और तरक्की के लिए जिस तरह के मैंने वोट डाला है वो वोट उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है जो पहले चरण से लेकर के दिखाई दे रहा है जी। उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए वोट डाला है, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए वोट डाला है। जो तमाम लैपटॉप बांटे हैं, समाजवादी पेंशन हमने माताओं बहनों को दी, कन्या विद्याधन मिला है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, ये काम और तेजी से आने वाले समय में बढ़े, इसीलिए समाजवादी पार्टी को मैंने वोट दिया है। बहुत दिनों बाद आप आए हो सैफई, पता नहीं कौन सी बात कहाँ की जोड़ रहे हो आप ही ने पूछा, बाकी हम लोग आप पूछा इसलिए अगले वोट बताया नहीं जाता है, ये कैसे संभव है? कहा कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए और समाजवादी सरकार बने उसके लिए मैंने वोट दिया है। सर पाल जी के काफिले पर हमला हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने और इसी खुशहाली और तरक्की के साथ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ता है। चाचा जी मैं ये कहता हूँ कि चुनाव चिन्ह साइकिल सबके लिए है, जितने भी समाजवादी लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब बराबर हैं। मैं समझता हूँ साइकिल आगे बढ़े, जैसे बढ़ती रही है पहले चरण से आगे की मजबूती के साथ बढ़ जाए। स्वाभाविक है कि हैंडल के साथ हाथ जुड़ जाए तो सोचो साइकिल कितनी तेज चलेगी। मैं ये कह सकता हूँ पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे लगभग आधा हो जाएगा चुनाव। जब आप शाम को वोट डाल करके खत्म करने के बाद रिपोर्ट मांगेंगे तो लगभग आधा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका होगा। मैं ये कह सकता हूँ जिस तरीके से पहले चरण में समाजवादी आगे रही, दूसरे चरण में समाजवादी आगे है, ये तीसरा चरण भी है जिसमें समाजवादी पार्टी आगे रही। जितनी सीटें मिली हैं उससे अगर ज्यादा बढ़ जाएंगी आप देख लेना जब परिणाम आएगा, तो भीतरघात नहीं होगा अगर बढ़ गई तो? भीतरघात की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जनता ने मन बनाया है बड़े पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा जगह पहुँच जाए। चाचा को शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं समझता हूँ आप पे कुछ है ही नहीं सवाल पूछने सर। चाचा को शुभकामनाएं दे देंगे, मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा खड़े रहना।